जी ये देखो जरा हमारा 56 इंच का सीना अभी 57 हुआ कि नहीं। हुजूर मुझे तो ये 52 इंच ही नजर आ रहा है। हाँ 52 हुजूर हुजूर मैं तो मजाक कर रहा था, ये तो 156 का हो गया हुजूर। 156 अरे वाह 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 तुम दर्जी लायक हो, हम तुमको शिक्षा मंत्री बनाएंगे। मियां दर्जी तुम लोग हमारी नाप कि हम एक ऐसा लिबास सिलवाएंगे जिसमें हो सोने के धागे और लिखा हो उन पे हमारा नाम। ये दूर आदमी क्या गजब ढाते हैं, अभी अभी तो आप राजा बने हैं, आपने लोगों से वादा किया था कि अच्छे दिन आएंगे, हुजूर वो कहां गया वादा। हमने किया था वादा अच्छे दिन आएंगे, लो आ गए अच्छे दिन, ये बचपन में है चाय बेची, हाय क्या क्या दिन है देखे। लो मेरे भक्तों तुम्हारे राजा ने है सोने का है सूट सिलवाया, अच्छा दिन जी है आया। महाराज ये तो कुछ ठीक ना होगा कि वो जो लोग हैं वो शोर मचाते हैं कि आपका वो अशर्फियों का वादा। अशर्फी का वादा हमको तो नहीं आता याद, तो हमने तुमको अभी अभी है शिक्षा मंत्री बनाया, कुछ तुम ही बतलाओ मेरी उपाय मेरी जान। हुजूर मैं आपको एक उपाय बताऊं, आप आज से कीजिए ऐलान कि ये जितना है काला धन बस आज से बंद, और होंगी नई ये शक्तियां, ये सारा धन वो खजाने में वापस जमा करवाएं। अरे जब सारा धन सिमट के आएगा दिल गदगद हो जाएगा। तो मियां उसका हुआ ये अंजाम कि एक रोज मीनार पे जो तुगलक नाजिल हुआ और बोला, आज रात 12 बजे से इन चलती हुई अशर्फियों की कीमत कुछ नहीं, ये सब कागज जैसे हैं। तीन महीने कभी सदाए अमन लगाते हैं, अरे मियां तुम करो इन्हें खामोश, ये क्या लोगों को जगाते हैं। मियां हुआ यूं फिर कि वो लेके 4-6 शेरों को एक इबादत गाह में पहुंचा और उन्हें सलाता रहा सिखाता रहा। वो दास्तान को कहता, भाई करते रहो करने से होता है करने से होता है। मियां वो सांस अंदर भरवाता और छोड़वाता रहा। उसका हुआ नतीजा यूं कि जब दिन बीते कई और वो राजा उस इबादत गाह में आया, उसने देखा 4 शेर बाहर पेड़ के किनारे सोते हैं, चढ़ती हैं उनपे इल्लियां और कीड़े चले जाते हैं। तो ये 4 वो शेर हैं जिन्हें तुम सदाने में सिखाने में नाकामयाब रहे, देखो इनपे कैसे कीड़े चढ़ते हैं और ये खामोश पड़े हुए हैं।